सो गाइस, मैं और मान और आज की वीडियो में हम लाए हैं कि नए अलग अलग हेयर ऑयल्स के ऊपर। तो हेयर ऑयल अलग अलग जो भी होगा उनकी वजह से बालों पर कौन कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन से उनके बेनिफिट्स हैं, इन पर आज हम बात करेंगे। पहले में आता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड होता है। लॉरिक एसिड की वजह से आपके बाल में जितना भी है वो डैमेज को फिक्स करता है। डैमेज फिक्स होने के साथ साथ वो बालों को स्ट्रेंथ भी करेगा, उनमें शाइन भी लाएगा, उनको थिक तक भी करेगा। और साथ ही साथ इसका फ़ायदा ये भी होगा कि जो कोकोनट ऑयल है वो एज़ कम्पेयर टू सनफ्लावर ऑयल एंड मिनरल ऑयल, इन दोनों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हेयर डैमेज को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल में एक कंडीशनर होता है, काफ़ी बेहतर कंडीशनर होता है। इसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ होते हैं और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। और दिस इज़ द बेस्ट ऑयल कि आपको जो स्कैल्प में इचनेस वगैरह होती है, जो खुजली होती है स्कैल्प में, उसको ये 100% कंट्रोल कर देता है। तो आर्गन ऑयल इस हद तक बेनिफिट आपको दे सकता है, तो बहुत बढ़िया ऑयल है ये भी। नेक्स्ट में आता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में आपको एक मोनोसेचुरेटेड फैट्स इनमें होते हैं जिसकी वजह से आपके बालों को स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा मिलती है। हेयर डैमेज को ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देती हैं और बालों के जो स्ट्रेंथ होती है उनको बनाए रखता है। इसकी वजह से आपको कभी भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ऑलिव ऑयल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन्हें डायरेक्टली कंज्यूम मत करना। लास्ट में आती है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। बादाम के तेल में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो आपके हेयर्स को डैमेज होने से बचाता भी है। डैमेज हुए हुए बालों को दोबारा से शाइन उनकी वापस देता है और इसकी शाइन सबसे ज़्यादा देर तक टिकी रहती है बालों में। तो आलमंड ऑयल को ईजिली आप कंज्यूम कर सकते हैं। हमारे तो नॉर्मली आते रहते हैं आलमंड ऑयल, हमारे घर में काफ़ी कम पड़ा है। तो यही थे आज के कुछ पॉइंट्स और इंडियन ऑयल्स के बारे में कि आप कौन सा ऑयल किस बेनिफिट का काम करता है। तो यही थे आज के ये पॉइंट्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ गाइस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।